हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे पल पल, ये है दिल्ली के पल। चला मेरे संग चल। दिल्ली को भूले नहीं आप, दिल्ली अभी भी दिल में बसती है। दिल्ली तो मेरे हर रोम रोम में बसती है, because I was born brought up here, और जो भी मैंने शुरुआत की है म्यूज़िक की सब यहीं पे हुई है, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। जब भी वापस आता हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब जगह चले जाऊँ जहाँ जहाँ मैं घूमता छोटे में। अब वो गाना सुनाइए जिससे आपको ब्रेक मिला था बॉलीवुड में, फिल्म माचिस का एक गाना जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को तो माचिस के सभी गाने अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे गाने थे विशाल भारद्वाज के, और ये जो गाना है मुझे एक्चुअली 2 लाइनें मिली थी इस गाने में, बिगनिंग की जो थी, और बाकी सुरेश जी और हरिहर जी साथ में थे, पर उन्होंने बहुत इनक्रेज किया था। तो 2 लाइनें जो गाता हूँ, उस वक्त मैं दिल्ली छोड़ के गया था मुंबई, तो उसके लिए हैड एडिशनल फीलिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, गो समथिंग लाइक दिस। छोड़ा है हम वो गलियाँ जहाँ तेरे पैरों के कंवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। गोजा साहब की लाइनें इतनी अच्छी थी, और वो गाने गाते वक्त बाकी सिंगर जो थे साथ में, बहुत मजा आया था। रियली एंजॉयड माय फर्स्ट सॉन्ग। वैसे पुरानी बातें भुलाई नहीं जाती, छोड़ आए गलियाँ, लेकिन वो गलियाँ याद तो जरूर होंगी आप। छोड़ के तुम जा सकते हो, मतलब हमेशा के लिए छोड़ के जा नहीं सकते, छोड़ के वापस आना जाना रहता ही। एक गाना आपका है, और वो गाना हर एक की जुबान पर है, हर कोई कहीं ना कहीं गाता दिख ही जाता है, एक वो गाना भी हो जाए जरूर, क्यों नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। लेस्ली आपके मेंटर रहे, किस तरह का सफर रहा लेस्ली के साथ, और यकीनन काफी लकी भी रहे लेस्ली आपके लिए। जी जरूर, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो है जिंगल का ब्रेक भी लेस्ली ने दिया था जब मैं बम्बई गया था, और मैं यहाँ पर छोड़ के जब गया था किसी को जानता नहीं था वहाँ पे, और मैंने जो गाने किए हैं सबके साथ, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त हैं मेरे, सब ने बेहतरीन अपने गाने मेरे को चुन चुन के दिए हैं, और मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव गॉट सच ग्रेट सॉन्ग्स टू डू। और आगे का सफ़र के बारे में मैं जानता नहीं, क्योंकि आई लिव ईच डे एज इट कम। प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मास्टर प्लान तो कहीं और से आता है, तो मैं ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करता हूँ, बस ये करता हूँ कि उम्मीद रखता हूँ कि मुझे गाने अच्छे मिले, और मैं उसको अपनी तरीके से, अपनी अदा से, अपने एहसास से उसको अच्छी तरह कर कभी सकता। सोचा कि मैं भी मास्टर प्लान बनाऊँ कुछ? नहीं, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि बस ठीक है भाई, आज सुबह उठे, आज का क्या प्रोग्राम है, तो पता चलता है कि आज ये सब, आज शो है या कुछ है, जो भी है, रिकॉर्डिंग है, तो बस निकल पड़े। टेंशन फ्री, मेरे को स्ट्रेस नहीं अच्छा लगता। ये कहाँ मिल गए हम, ये कहाँ मिल गए हम, आसमान भी लो हंस दिया, पर्वतों के रास्ते रास्तों पे हम, चाहतों के वास्ते चाहतों में हम, चल मेरे सनम। ये कहाँ मिल गए हम। अक्स फिल्म में एक गाना आया था, उसमें बहुत ट्विस्टिंग था, बहुत वेरिएशंस थी, वो गाना भी सुनना चाहेंगे, और चाहेंगे कि कैसे ये सब मॉड्यूलेट होता है। वो अनुज जी का गाना था, और उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चन साहब पे पिक्चराइज है, तो उसमें एक्चुअली हमने डबल ऑक्टिव किए थे वॉइसेस का। डबल ऑक्टिव मतलब एक लोब में गाया था, क्योंकि बच्चन साहब के लिए बैरिटोन की रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, तो थोड़ी एक मोटी आवाज़ होती है उसके साथ ना 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 ना, बंदा है ये बिंदास है ये बंदा है ये, तो एक जिसमें जो प्ले था वो थोड़ा टफ था, लेकिन वो जब किया था, जब बनने के बाद जो सुना हमने मिक्स जो होके आया था, तो बहुत अच्छा लगा था। एंड बच्चन साहब ने भी मुझे उसके बारे में कहा था, वो स्टूडियो पर शूट करे थे राकेश मेहरा के साथ, तो मैं उस वक्त था नहीं वहाँ पे, तो राकेश का फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने बोला था कि यार बच्चन साहब को तेरा गाना बहुत अच्छा लगा, सो आई फील वेरी वेरी गुड एंड वेरी प्राउड इनसाइड। लेकिन केके का स्टाइल कौन सा है, ये वाला स्टाइल है या फिर नॉर्मल जो हम लोग बाकी सुनते हैं? क्या है ना, मूड के हिसाब से होता है। अभी मैं जैसे शोज करता हूँ तो मुझे फास्ट गाने बहुत पसंद है, मेरे गाने जैसे कोई कहे कहता रहे या डिंग डोंग, बिल्कुल जैसे टपोरी गाना है बिल्कुल, और क्या मुझे प्यार है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो फास्ट सॉन्ग्स हैं मेरे को अच्छे लगते हैं वो, पर आई लाइक टू इंटरप्ले विद द स्लो सॉन्ग्स एज वेल, क्योंकि स्लो सॉन्ग जो ठहराव होता है, जो एक होल्डिंग नोट्स होते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। मेरे पर्सनल फेवरेट मेरे स्लो सॉन्ग्स हैं। बट और एक स्लो सॉन्ग बहुत फेमस है जिस्म का, हाँ वो गाना बहुत अच्छा लगता है, उसके बोल बहुत हो जाए ज़रूर। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में, इस धरती पर जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, अपने लिए तो ठीक उसी पल रोज ढला है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। जिंगल्स आपने बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में गाई, अलग अलग भाषाओं में, बहुत सारी भाषाएं आती हैं या फिर एक ही आती है? नहीं, एक्चुअली मैं हूँ केरल का, तो आई नो मलयालम एंड आई ऑल्सो नो तमिल। तेलुगु कन्नड़ा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं गा लेता हूँ। मतलब क्या होता है, हम लोग जब गाना गाते हैं तो उसका जो जिस्ट होता है, अभी जैसे फिल्मों में तो मैं सिर्फ ये चार लैंग्वेज में किए हैं हिंदी के अलावा, तो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो पूरे सॉन्ग का जो जिस्ट ऑफ द सॉन्ग मीनिंग वो समझ लेता हूँ, और फिर वो मेलोडी और जो है वो खुद गाइडिंग होती है। जिंगल्स का जहाँ तक सवाल है, आप संग 11 लैंग्वेजेस, पर वो क्या है, वो 4 लाइनें होती है, 6 ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइनें होती हैं, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि लैंग्वेज की कहीं अटकें। गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन, असमीज़, बंगाली सब किया मैंने, तो प्रॉब्लम नहीं लगता। एंड आई रियली एन्जॉयड सिंगिंग इन ऑल द लैंग्वेजेस। क्या जब मास्टर ट्रैक एक बार हिंदी में हो जाए तो एक मेलोडी का एक फ्री अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाता है, फिर उसको बैठाने में बड़ा मज़ा आता है, और सुपरवाइजर साथ में रहते हैं, तो इट्स क्वाइट ओके। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों